हेलो टू ऑल आवर कम्युनिटी मेंबर्स, वेलकम टू मिशन IASBCS। देखो, काफ़ी लंबे समय हो गए हैं आपसे मुलाकात किए हुए, लगभग 10 दिन बीत चुके हैं। और कहीं ना कहीं आपको भी लग रहा होगा कि सर कहाँ गायब हो गए। तो बेसिकली मैंने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से बताया भी था कि मैं एक सप्ताह तक आपसे नहीं मिल पाऊँगा, आपसे कनेक्ट नहीं रह पाऊँगा, और इसके कुछ अपने रीजन्स हैं। और वैसे भी आप समझिए कि मैं वीडियो बनाना तो चाह रहा था, बट हैप्टी शेड्यूल हो गए थे, जहाँ पर अगर मैं वीडियो बनाता भी तो उसमें मुझे अपलोड करने में टाइम, साथ ही साथ उसको मैनेज करने में समय लगते। तो इसलिए मैंने कुछ समय के लिए ब्रेक लिया था, ताकि हम एक फ्लो में ये जो वीडियो सीरीज है उसको कंटिन्यू करें और एक क्वालिटी जो कंटेंट होना चाहिए वो प्रोवाइड करे। बिकॉज अगर मैं वीडियो बना भी देता इस पीरियड के बीच, तो कंटेंट की क्वालिटी से कंप्रोमाइज हो जाती, जो आपके लिए भी अच्छी नहीं रहती और हमें भी अच्छा नहीं लगता कि आपको सब स्टैंडर्ड तरीके से पढ़ाए। इसीलिए खुद पढ़ना पड़ता है, बढ़िया से एग्जाम्पल्स ढूंढने पड़ते हैं, थोड़ा सा एनालिसिस कर आपको मैं वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करता हूँ। ऐसा नहीं कि मैंने तुरंत पढ़ा और मैं वर्ड बाय वर्ड सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं। आप देख ही रहे होंगे, इसलिए लेक्चर भी थोड़ी सी लंबी जाती है। तो आपको बस कॉपरेट करते रहना है। मैंने आपको बताया है कि ये मैं टॉपिक आपका सब कवर करवाऊंगा। और वीडियो बनाना कोई आसान नहीं बात है फ्रेंड्स, क्योंकि समय लगता है और समय के साथ साथ आपको सोचने पड़ते हैं, डिफरेंट डायमेंशंस को इनकॉर्पोरेट करना पड़ता है। उसके लिए काफ़ी ज़्यादा टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, और मल्टीपल टास्क करेंगे तो फिर टाइम नहीं बच पाता। इसलिए मैंने ब्रेक लेने का प्रयास किया था। अब चलो, शेड्यूल फिर से ठीक हो चुकी है, तो ऐसे में फिर से आपकी जो ये सीरीज है वो डेफिनेटली कंटिन्यू की जाएंगी। तो आपको चिंता नहीं करना है, मैंने आपको बताया है कि बस आप आगे अपनी तैयारी कंटिन्यू रखो। आप अपना जो प्रिपरेशन कर रहे हो, पूरे करेज, हिम्मत, साहस के साथ करते रहिए, और डेफिनेटली आप अच्छा करोगे ही करोगे, ये मुझे विश्वास है। तो आपको तो अपने पर विश्वास होनी ही चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। इससे पहले हमने क्या टॉपिक डिस्कस किया था वो हम थोड़ा सा एनालाइज कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो, हमने शुरुआत की थी पिछले लेक्चर सीरीज में इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द यूथ, और मैंने आपको बताया था कि जो युवा है वो मेजोरिटी पॉपुलेशन हमारे देश में ऑक्यूपाई करता है, और युवा ही है जो काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होता है, रिस्क लेने की ताकत क्षमता रखता है, साथ ही साथ उनकी जो माइंड है काफ़ी ज़्यादा एक्टिव रहती है, और डिफरेंट एस्पिरेशंस उनकी होती है। कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई ऑफिसर बनना चाहता है, और ग्लोबलाइजेशन कहीं ना कहीं उसके माइंड को प्रभावित करता ही है, क्योंकि जो आपका वर्ल्ड में डेवलप कंट्रीज है उनके अट्रैक्शन व्यक्ति को खींचती है, और सबसे ज़्यादा खींचने का काम किस पर किया जाता है, यूथ के ऊपर, है ना, क्योंकि उनकी एस्पिरेशंस काफी ज्यादा होती है। तो इस प्रकार से आप देख रहे होंगे, इंडिया में भी आपका लिव इन रिलेशनशिप, या फिर आपका LGBTQ राइट सब निकल कर आते हैं, या फिर आपका जो किटी पार्टी या फिर आप पब्स देखते हो, ये सब भी चीजें निकल कर आती है। साथ ही साथ आप वेस्टर्न एजुकेशन देखो, ठीक है, उसका भी प्रभाव कहीं ना कहीं काफी लंबे समय से हमारे देश के व्यक्ति पर रहा है, खासकर युवा पर रहा है, क्योंकि एक समय इंडिया भी तो कॉलोनी थी ना, तो उनकी जो शिक्षा दीक्षा रही है, उनके जो स्टैंडर्ड्स रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं हमारे देश के एजुकेशन सिस्टम को प्रभावित किया है। इसके बारे में आप भी अच्छे तरह से वाकिफ हो, आपने मॉडर्न हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, ठीक है। तो ग्लोबलाइजेशन यूथ को काफी ज्यादा इम्पेक्ट करता है, क्योंकि नए नए अपॉर्चुनिटीज की तलाश करते हैं, इनोवेशन करना चाहते हैं, साथ ही साथ मेटेरियलिस्टिक एम्बिशंस उनकी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इस प्रकार से हमने देखा था, तो मैंने एक ओवरव्यू आपको बता दिया। लेकिन आपको भी पता है नेगेटिव इम्पैक्ट भी होते हैं ग्लोबलाइजेशन के, तो यूथ पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे आपका क्लोथिंग स्टाइल में बदलाव आ रहा है धीरे धीरे। एक समय था जब धोती कुर्ता चलता था, अब आप देख सकते हो जो आपके क्या कहते हैं उसको, मजाक में ही लेना, ये जो थोड़े से जीन्स में फटे फटे जीन्स होते हैं ना, उस प्रकार से क्लोथिंग स्टाइल में थोड़े से चेंज आ रहे हैं, और भी
चीजों में आपको बदलाव देखने को मिल रहा होगा। आप देखो थोड़ा सा, जब आप मार्केट निकलते हो तो आपको चीजें सबको समझ में आ जाएगी, क्योंकि आपको ऑब्जर्व तो लोगों को ही करना है ना, तो लोगों में ही वो चेंजेस आपको देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ डिसकनेक्ट विद द एल्डर्स, डिसकनेक्ट विद द एल्डर्स हमने देखा था कि किस प्रकार से एम्प्लॉयमेंट की तलाश में जो युवा है वो दूसरे देश या फिर दूसरे राज्य चले जाते हैं, तो जो गांव में बचे बुजुर्ग हैं उनसे जुड़ाव कम हो जाता है, या फिर यूं कह सकते हो कि पर्सनल या फिजिकल प्रेजेंस जो यूथ की है अपने पेरेंट्स के साथ वो नहीं हो पाती है, अलोंग विथ न्यूक्लियर फैमिली ही कह लो, ये सब चीजें निकल कर आती है। साथ ही साथ हेल्थ डिसऑर्डर्स बिकॉज ऑफ द सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, ना कोई योगा ना कोई ध्यान, बस इंटरनेट और मोबाइल का ज्ञान, इस प्रकार के कारण हेल्थ डिसऑर्डर्स निकल कर आती है। मार्जिनल सेक्शन ऑफ यूथ्स, इन पर सही से केयर नहीं हो पाता, जिसके कारण इनएडिक्वेट एजुकेशन, लिमिटेड स्किल्स, पॉवर्टी, और ये जो है विशेष साइकिल में चले ही जाते हैं, चलते ही जाते हैं, एलोंग विथ अर्बन माइग्रेशंस एंड अनएम्प्लॉयमेंट ये भी बढ़ती जा रही है। कंज्यूमरिस्टिक एटीट्यूड, स्टेटस ऑफ यूथ इन द फैमिली, जैसे न्यूक्लियर फैमिली का जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है अर्बन एरियाज में, तो वो सब आप देख रहे होंगे, और उसको हमने कंक्लूड भी किया था। साथ ही साथ ट्राइबल्स पर क्या इम्पैक्ट हुआ है ग्लोबलाइजेशन का, वो सब हमने देखा था, और ये भी बोला गया था कि आपको 8.6% का जो डाटा है वो याद रखना है। एलोंग विथ पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या रहा था, तो हेल्थ में सुधार आ रही है बिकॉज नए नए और अच्छे अच्छे ड्रग्स आ रहे हैं, दवाइयाँ आ रही हैं जो इनके बीमारियों को ठीक कर सकती है, ठीक है, जो आपका डेथ काउजिंग बीमारियाँ होती है, ठीक है, जैसे बेटर एजुकेशन एंड डेवलपमेंट, ये सब भी चीज़ें देखने को मिल रही है। नेशनल इंटीग्रेशन हो रहा है, लीगल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन भी दी जा रही है, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हो रहे हैं ट्राइबल्स के ऊपर, जैसे रिसोर्स का एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, ये जहाँ रहते हैं जहाँ इनकी लाइवलीहुड है, जाहिर सी बात है फॉरेस्ट इकोनॉमी इनकी लाइवलीहुड है, इनका घर है। अब रिसोर्स के चक्कर में कंपनियाँ क्या करती है, इनको अपने एरिया से बेदखल कर देती है, वहाँ के रिसोर्सेस एक्सप्लॉयट करती है, इसलिए तो आप देखो ना इतने सारे ट्राइबल पॉपुलेशंस पहले हुआ करते थे, धीरे धीरे ये श्रिंक हो गए हैं। ब्रिटिश काल में ट्राइबल रिवोल्ट होती ही इसलिए थी बिकॉज रिसोर्स एक्सप्लॉयटेशन उनका मेन एम था, ना कि वेलफेयर ऑफ द ट्राइबल पॉपुलेशन। तो ये सब बातें हैं, एलोंग विथ वेस्टेड इंटरेस्ट, अनएम्प्लॉयमेंट जैसे सिचुएशन ट्राइबल्स में है भी, इवन कोई कंपनी स्टेब्लिश भी हो जाती है तो भी वो जो लोकल इनहेबिटेंट्स है या फिर जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको रोजगार नहीं दे पाती, इन द नेम कि आपके पास स्किल नहीं है, इलिटरेसी है, तो आप कैसे मशीन चलाओगे, ऑपरेट करोगे। एलोंग विद सोशल लाइफ को अफेक्ट किया जा रहा है, सब नेशनल मूवमेंट्स निकल कर आ रहे हैं, ट्राइबल वुमेन भी काफी ज्यादा प्रभावित हुई है, डिस्प्लेसमेंट हो रहा है लोगों का, शिफ्टिंग कल्टिवेशन पर बैन हो गई है, तो जो ट्राइबल पॉपुलेशन है वो एक सर्टेन एरिया पर रेस्ट्रिक्ट हो गए हैं, जबकि शिफ्टिंग कल्टिवेशन एक प्रकार से जो ट्राइबल पॉपुलेशन है ना उनका एक प्रोसेस ही कह लो, या फिर लाइवलीहुड का तरीका ही कह लो, अपने आप को सर्वाइव करने का तरीका ही कह लो, ठीक है। साथ ही साथ सोशियो कल्चरल हेरिटेज भी इरोड हो रहा है, ठीक है, बिकॉज वो अपने ट्रेडिशनल होमलैंड से डिस्प्लेस हो रहे हैं, दूसरे जगह जा रहे हैं जहाँ उनको जानकारी नहीं, पहचान नहीं, तो नॉर्मल लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है, ओरिजिनल ट्रेडिशंस जो है उनके डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिस प्रकार से एग्जोटिक प्लांट्स, कोई इन्वेसिव एलियन स्पीसीज कोई नेटिव लोकेलिटी में आ जाती हैं तो नेटिव पॉपुलेशन को प्रभावित कर देती हैं, उसी प्रकार से जो ओरिजिनल होमलैंड अगर ट्राइबल्स का डिस्टर्ब होता है तो फिर इनको नेगेटिव रिपरकशंस झेलनी पड़ती है, इनका जो सोशल कल्चरल धरोहर है वो इरोड होता है, ठीक है। तो ये सब हमने देखा था, अब हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे, मैंने 10 मिनट का ओवरव्यू आपको दिया है, बस अब चलते हैं डायरेक्ट टॉपिक के ऊपर। ये सब तो आपने देखा ही इल्डरली का, आप पिछले वीडियो लेक्चर सीरीज को सुनना मत भूलना बिकॉज उससे इंटरलिंक्ड है ये टॉपिक। ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक समझना है तो आपको सीरीज से पूरे वीडियो देखने हैं ताकि आप कोर इश्यूज को समझ सको, ठीक है। ये मैं कोई डायलॉग बाजी नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको सच में बता रहा हूँ कि आपको देखना ही चाहिए ताकि एक एक पॉइंटर आपके दिमाग में आ जाए।
पॉजिटिव इम्पैक्ट्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन द इंडल्ट पॉपुलेशन, जैसे हेल्थ केयर में सुधार, कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी, बेटर केयर, प्रमोशन ऑफ एजलेस सोसाइटी। एजलेस सोसाइटी मतलब समझते हो कि यहाँ पर बूढ़े बुजुर्ग भी अब अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर, जैसे यूट्यूब, फेसबुक, आप देखते हो आज के लिए सिर्फ ट्रेंड आप देखते रहते होगे, ठीक है। तो इनका भी लाइवलीहुड में एक प्रकार से कंट्रीब्यूशन हो जाता है, इनकी रिस्पेक्ट भी बनी रहती है, और एक प्रकार से इनके जो एक्सपीरियंसेस है वो एसेट के रूप में कार्य करते हैं, ठीक है। ये सब बातें हैं, लेकिन नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी है, जैसे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द ज्वाइंट फैमिलीज, नो स्पेसिफिक रोल्स, कल्चरल शॉक्स, इम्पैक्ट ऑन द सेविंग्स बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन इन द फूड एंड फ्यूल प्राइसेस, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स इन्हें भी झेलने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये सब बातें हमने देखा था। एलजीबीटी कम्युनिटीज के ऊपर भी प्रभाव हुए हैं, किस प्रकार से हुए हैं, इन सब को भी हमने देखा था, और इसके नेगेटिव रिपरकशंस के बारे में भी हमने जाना था। अब हम चलेंगे मेन जो आपका है, देखो काफी लंबा टॉपिक हमने कवर कर दिया था, 1 घंटे 14 मिनट की वीडियो थी, उसमें हमने ये बराबर पूरे जो ग्लोबलाइजेशन के इम्पैक्ट थे डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के ऊपर हमने देख लिया था। तो इस प्रकार से मैं आपकी मदद कर रहा हूँ, आपको भी अपने तरफ से कंट्रीब्यूशन करने हैं, आपको मैं ज़्यादा कुछ लोड नहीं देता, आप शेयर करिए कंटेंट को, अगर अच्छी लगती है तो अपने पास रिस्ट्रिक्ट मत करिए, डू शेयर द कंटेंट एंड सब्सक्राइब करना ना भूले, कमेंट आप भेजते रहिए अपने प्यारे प्यारे, बिकॉज कमेंट से लगता है कि हाँ आप लोग चीज़ों को समझ रहे हैं, आप लोग हमारे वीडियोज को देख रहे हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मैं मुझे बकबक करने से क्या फ़ायदा, ठीक है। तो ये सब बातें हैं, तो चलिए आज का मुद्दा है ग्लोबलाइजेशन 4.0। इसको हम समझेंगे काफ़ी डिटेल से, क्योंकि ग्लोबलाइजेशन 4.0 एक बर्निंग टॉपिक है, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन 4.0 आपका न्यूज में चलते रहता है, ठीक है। तो जब हम ग्लोबलाइजेशन 4.0 की बात करते हैं, तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि ग्लोबलाइजेशन 1.0, 2.0, 3.0 ऑलरेडी हो चुकी है। अब जो चल रहा है आपका ग्लोबलाइजेशन 4.0 चल रहा है, या फिर आगे यही चलेगा। जो ग्लोबलाइजेशन 1.0, 2.0, 3.0 था वो बेसिकली प्रोडक्शन पर बेस्ड था, यानी कि जो भी विभिन्न प्रकार की प्रोडक्ट्स की नीड्स थी डिफरेंट कंट्रीज को, वो प्रोड्यूस किए जाते थे और उनका एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट किया जाता रहा है, जो आज भी आप देखते हो। तो बेसिकली जब हम ग्लोबलाइजेशन 4.0 की बात करते हैं, तो इसमें क्या फोकस आ गया है, इसमें फोकस आ गया आपका सर्विसेज सेक्टर के ऊपर, यानी कि अब जो है लोगों को सर्विसेज दे देकर आकर्षित किए जा रहे हैं, अट्रैक्ट किए जा रहे हैं। जैसे इतनी सारी सर्विसेज आप देखते हो, डिजिटल सर्विसेज, इंटरनेट कनेक्टिविटी की सर्विसेज, ठीक है, एज वेल एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब कहाँ से निकल कर आ रहे हैं, ठीक है। ये कहीं ना कहीं सर्विसेज सेक्टर ही है, और ग्लोबलाइजेशन 4.0 उस पर ही फोकस कर रहा है। तो इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। यहाँ पर आप देखिए, ग्लोबलाइजेशन 4.0 इज गोइंग टू हिट द पीपल इन द सर्विसेज सेक्टर, ठीक है। एंड अगर हम दूसरे फीचर्स की बात करें, तो बेसिकली क्लोज इंटीग्रेशन विद द इंडस्ट्री, यानी कि इंडस्ट्रीज के साथ मोर क्लोजर इंटीग्रेशन देखने को मिल रहा है विद द कमिंग अप ऑफ ग्लोबलाइजेशन 4.0। जैसे फास्टर डाटा कनेक्शन स्पीड्स आ रहे हैं, साथ ही साथ जो इंडस्ट्रीज है अब वो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल्स, मशीन्स का सहारा लेते हैं प्रोडक्ट्स को प्रोड्यूस करने में, उसको एनालिसिस करने में, साथ ही साथ बिग डाटा एनालिसिस आप सुनते ही होंगे। तो ये सब के कारण नए नए प्रकार के सर्विसेज सेक्टर में जॉब्स निकल कर आ रही हैं, चाहे वो आर्किटेक्चर के फील्ड में, अकाउंटिंग के फील्ड में हो, वेब डिज़ाइन ले लो, इंटरनेट ले लो, ठीक है। तो ये सब भी दूसरा फीचर्स हो गया। साथ ही साथ तीसरा फीचर्स की बात करें, तो न्यू मोड ऑफ माइग्रेशन प्रोसेस। हाँ, अभी आप देखते हो कि लोग जनरली फिजिकल माइग्रेशन करते हैं अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज के लिए, ठीक है, या फिर आपको कहीं पर भी एजुकेशन लेना है। लेकिन ग्लोबलाइजेशन 4.0 में बेसिकली माइग्रेशन प्रोसेस में भी कुछ अंतर देखने को मिलेगा। कहने का मतलब, लोग जो है फिजिकल माइग्रेशन नहीं करेंगे, वर्चुअल माइग्रेशन करेंगे। इसका हम बेस्ट एग्जाम्पल देखें, तो आपने रजनीकांत की
फिल्म देखी होगी, ये जो रोबोट फिल्म आई थी उसमें एक प्रोफेसर थे, ठीक है, जो निगेटिव रोल प्ले कर रहे थे, और जो रजनीकांत सर जी थे तो उनके बीच में एक प्रकार से एक सीन था कि वो कन्वर्सेशन कर रहे थे वर्चुअल प्रेजेंस में, कि जो प्रोफेसर थे वर्चुअली एक बड़े से एलईडी सेट पर अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहे थे और बात कर रहे थे डायरेक्टली विद द रजनीकांत। तो वो है आपका टेली माइग्रेशन, ठीक है, और शायद इसरो भी कुछ इसी प्रकार का एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ये न्यूज में सुना भी होगा, ठीक है। तो एक प्रकार से ये सब चीजें निकल कर आ रही है। तो अल्टीमेटली अगर कोई हेल्प चाहिए या फिर कुछ टेक्निकल ग्लिचेज आ गई हैं कुछ मशीन सब में, तो वो सब आपका टेली माइग्रेशन के माध्यम से सर्विसेज प्रोवाइड किए जा सकते हैं विदाउट लीविंग द होम। एलोंग विथ फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। यूँ कह सकते हो कि फोर्थ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन जो है आधार ही है ग्लोबलाइजेशन 4.0 का, जहाँ पर आप देख सकते हो साइबर फिजिकल सिस्टम्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर 3D प्रिंटिंग, इन सब पर ज़्यादा फोकस हो रहा है। तो होप यू अंडरस्टूड दीज ऑल कंटेक्स्ट विद रिस्पेक्ट टू द ग्लोबलाइजेशन 4.0। अब चलते हैं भाई साहब ग्लोबलाइजेशन 4.0 की क्या चुनौतियां हैं, चैलेंजेस क्या है। तो बेसिकली अगर हम बात करें ग्लोबलाइजेशन 4.0 की, तो जिस प्रकार से ग्लोबलाइजेशन 1, 2, 3 सबकी चुनौतियां थी, खासकर ग्लोबलाइजेशन 3.0 ने जो चुनौतियां फेस करवाई हैं उसी प्रकार की चुनौतियां यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है। जैसे पॉलिटिकल क्राइसिस एंड ग्लोबल लेवल कन्फ्लिक्ट इमर्ज हो सकता है। जैसे आप देखते हो रशिया यूक्रेन वॉर हो रहा है, वॉर तो इन दोनों देशों में हो रहा है, लेकिन उसका इम्पैक्ट आप देख सकते हो फूड सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी, इन सब पर हमें देखने को मिल रहा है। तो उसी प्रकार से जो ग्लोबलाइजेशन 4.0 है वो पॉलिटिकल क्राइसिस को प्रमोट करवा सकता है, ग्लोबल लेवल कन्फ्लिक्ट जो है वो बढ़ सकती है, वो सब चीज़ें हैं। साथ ही साथ इकोनॉमिक एक्सक्लूजन भी देखने को मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसे बहुत सारे पॉपुलेशन है, खासकर डेवलपिंग कंट्रीज की बात करें, ठीक है, जो उनके पास उतनी ज़्यादा स्किल नहीं है, खासकर उन जॉब्स के लिए जो फ्यूचर में टेक्नोलॉजी बेस्ड हो सकते हैं, टेक्नोलॉजी ड्रिवेन हो सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कोई मशीन ही चलानी है, तो भाई साहब अब जो व्यक्ति है उसको तो चाहिए ना, उसको वो स्किल चाहिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। अब कोई व्यक्ति मोबाइल ही नहीं चलाना जानता तो फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को क्या ही समझेगा। तो ऐसे बहुत सारे व्यक्ति का एक्सक्लूजन हो जाएगा, और ये सब जो जॉब्स होने वाली हैं फ्यूचर जॉब्स, वो जो है रेस्ट्रिक्ट हो जाएगी टू ए शर्टेन पॉपुलेशन जिनके पास काफ़ी ज़्यादा स्किल है, जो एक प्रकार से अच्छे यूनिवर्सिटी सब में पढ़े हैं, उनके लिए हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब प्रॉब्लम्स और ज़्यादा एग्जेबरेट हो जाएगी। उसके बाद इनकम इनइक्वलिटी आ जाता है। इनकम इनइक्वलिटी तो ग्लोबलाइजेशन का देन है ही है, तो चाहे वो 4.0 हो या फिर 10.0 भी क्यों ना हो जाए, इनकम इनइक्वलिटीज को ये बढ़ावा देता है, क्योंकि एक प्रकार से जो आपके अस्किल्ड एंड वेल टू डू कंट्रीज है वो ज़्यादा बेनिफिट करेंगे इन सब चीज़ों से, बिकॉज उनके पास टेक्नोलॉजी, स्किल, लेबर फोर्स सब कुछ है, और वो इनोवेटिव प्रोडक्ट बना सकते हैं। और मार्केटिंग कहाँ करेंगे, डेवलपिंग कंट्रीज में, तो डेवलपिंग कंट्रीज मेयरली कंज्यूमर के रूप में रह जाएंगे, और जो डेवलप कंट्रीज है वो बेसिकली इनका फ़ायदा उठाती हैं। और ये कोई आज की बात नहीं है, इतिहास गवाह है। अलॉन्ग विथ ह्यूमन रिसोर्सेज की बात हो गई, जैसे स्किल रिक्वायरमेंट ऑफ ग्लोबलाइजेशन 4.0 में ऑलरेडी बस स्टार्टिंग एट डेमोग्राफिक डिजास्टर, यानी कि यूँ कह सकते हो कि अभी अगर हम बात करें, जैसे इंडिया में ही बात कर ले, तो इंडिया में यूथ पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है, यूँ कह सकते हो कि डेमोग्राफिक डिविडेंड का फेज चल रहा है। अब इसको रीप नहीं किया गया तो फिर ये डेमोग्राफिक डिजास्टर बन जाएगी। रीप कैसे किया जा सकता है, जब आप प्रॉपर स्किल दोगे एम्प्लॉयमेंट के लिए जो फ्यूचर जॉब्स को शूट करेगा व्यक्ति के लिए। अब पता चला कि कोई स्किल दी जा रही है और भविष्य में वो स्किल बिल्कुल भी काम नहीं आने वाली, ठीक है, वो एक प्रकार से वेग स्किल हो गया है, तो फिर उसको अगर प्रोवाइड करते भी हो तो फिर क्या उससे कोई सॉल्यूशन निकलेगा अनएम्प्लॉयमेंट का, नहीं निकलेगा ना।
सॉल्यूशन तो तब निकलेगा जब आपके जो नए अपॉर्चुनिटीज निकल कर आ रहे हैं, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट के क्षेत्र में, जैसे आपका बिग डाटा एनालिटिक्स या फिर आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या फिर रोबोटिक्स या फिर ड्रोन टेक्नोलॉजी या फिर आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। तो इन सब चीज़ों पर अगर स्किल को और ज़्यादा बढ़ाया जाए तो आने वाले समय में ये सब जो सेक्टर्स है ना वो इकोनॉमिक ग्रोथ को तो ड्राइव करेंगे ही करेंगे, साथ ही साथ ह्यूमन रिसोर्सेस को भी काफ़ी अच्छा पोटेंशियल दे सकती है एम्प्लॉयमेंट के लिए। नहीं तो यही पॉपुलेशन डेमोग्राफिक डिजास्टर भी बन जाएंगी। डेमोग्राफिक डिजास्टर मतलब समझते हो ना कि भाई साहब पॉपुलेशन जो है अब उनके पास रोजगार सब नहीं है, तो पता चला कि वो कोई टेररिस्ट एक्टिविटीज में इंडल्ज हो जाएंगे, या फिर यूँ कह सकते हो कि वो जो आपके सोसाइटियल कन्फ्लिक्ट है उन सब में ज़्यादा वो बचे रहेंगे, क्योंकि उनके पास कार्य करने के लिए अच्छी कार्य है ही नहीं। तो अल्टीमेटली ये सब चीज़ें निकल कर आ जाती है, अलॉन्ग विथ अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस हो सकता है। अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जिसके बारे में हमें पता भी नहीं है, जैसे इथिकल लीगल इन्वायरमेंटल कंसर्न्स निकल कर आ सकती है, उसके ऊपर अभी कोई फ्रेमवर्क भी नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल चैलेंजेस भी हैं, यानी कि स्किलिंग तो एक चैलेंज है ही है, साथ ही साथ भारत को उस प्रकार का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बनाना पड़ेगा, उस प्रकार की टेक्नोलॉजी भी लानी पड़ेगी जो हार्नेस करे एडवांटेज ऑफ द ग्लोबलाइजेशन 4.0। उसके बाद डेवलपिंग कंट्रीज के लिए एक अनोखा ही चैलेंज है। अनोखा चैलेंजेज ये है कि आपने देखा भी होगा जो भी आपके ग्लोबलाइजेशन हुए या फिर इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुए, इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट किसने उठाया है? इसका सबसे ज़्यादा बेनिफिट उठाया है बेसिकली आपके नॉर्थ अमेरिका या फिर यूरोपियन कंटिनेंट या फिर आपके कुछ एशियन कंटिनेंट, लेकिन मेजरली अगर देखा जाए तो आपका यूरोपियन कंटिनेंट प्लस आपका नॉर्थ अमेरिका ने इसका फ़ायदा उठाया है, ठीक है, चाहे वो इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हो चाहे वो ग्लोबलाइजेशन का हो। लेकिन इसका नुकसान या फिर यूँ कह सकते हो कि सबसे कम फायदा किसको हुआ है, अफ्रीकन कंट्री ले लो, लैटिन अमेरिकन कंट्री ले लो, कुछ एशियन कंट्रीज ले लो, तो उतना ज़्यादा बेनिफिट इनको ग्लोबलाइजेशन से नहीं हुआ है, ठीक है, बिकॉज जो आपके डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनके पास वो रिसोर्सेस हैं, स्किल्स हैं, लेबर्स हैं, तो अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, प्रोडक्ट बनाते हैं और मार्केटिंग करवाते हैं डेवलपिंग कंट्रीज में या फिर आपका अंडर डेवलप कंट्रीज में। तो फ़ायदा किसे हो गया? फ़ायदा हुआ आपके डेवलप्ड कंट्रीज को, ठीक है, और बाकी जो आपके डेवलपिंग कंट्रीज है वहाँ पर तो रिसोर्सेज के एक्सप्लॉयटेशन ज़्यादा देखने को भी मिलते हैं। तो ये सब बातें हो गई आपकी। तो ये जो ग्लोबलाइजेशन 4.0 होगा, हो सकता है इस हिस्ट्री को फिर से रिपीट कर दे, यानी कि एडिशनल चैलेंजेस क्रिएट कर दे बहुत सारे अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज के लिए, है ना, जो ऑलरेडी जो पोटेंशियल बेनिफिट रहा है ग्लोबलाइजेशन का उससे वो एक्सक्लूड रहे हैं। तो वे फॉरवर्ड क्या है? तो वे फॉरवर्ड भाई साहब वही है जैसे आपका हमने पढ़ा भी था कि लोकल और रीजनल इकोनॉमीज को प्रमोट करिए, लोकल एंड रीजनल इकोनॉमीज, यानी कि भाई साहब आप सेल्फ रिजिलिएंट बनिए, यानी कि आप अपने प्रोडक्ट्स प्रमोट करिए, ठीक है, साथ ही साथ आप इनोवेशन लेकर आइए सो दैट आपका भी प्रोडक्ट ग्लोबल लेवल पर प्रमोट हो सके। लेकिन उसके लिए एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, उस सब पर भी फोकस करना पड़ेगा, अलॉन्ग विथ इन्हेंसिंग सस्टेनेबिलिटी एंड इंक्लूसिवनेस। सस्टेनेबिलिटी इंक्लूसिव का मतलब ये हुआ कि ग्लोबलाइजेशन 4.0 या फिर कोई भी ग्लोबलाइजेशन 9.0 भी क्यों ना आ जाए, इंक्लूसिवनेस प्रमोट होनी जरूरी है। इस इंक्लूसिवनेस का मतलब ये हुआ कि जब हम सारे स्टेक होल्डर्स के कंसर्न्स को हैंडल करते हैं, सारे स्टेक होल्डर्स में कौन कौन आ जाएगी, सोसाइटी आ जाएगा या फिर आपके जो वल्नरेबल सेक्शंस हैं जैसे वोमेन हो गई या फिर आपके पुअर ग्रुप है, तो इन सब को भी ग्लोबलाइजेशन 4.0 का बेनिफिट मिलेगा, तब ना हम समझेंगे कि हाँ सोसाइटी जो है इंक्लूसिव इन नेचर बन रहा है या फिर जो नेशन है वो इंक्लूसिवनेस की तरफ प्रमोट कर रहा है। नहीं तो इनइक्वलिटी, पॉवर्टी, ये सब कभी खत्म होगी, हंगर कभी खत्म होगा जब तक हम इंक्लूसिवनेस प्रमोट नहीं करेंगे, तो ये सब दिक्कतें निकल कर आएगी। साथ ही साथ सस्टेनेबल होना चाहिए, यानी कि इन्वायरमेंट का भी केयर होना चाहिए, एक्सेसिव एक्सप्लॉयटेशन नहीं होनी चाहिए, SDG गोल्स के आधार पर ये सब चीज़ें होनी चाहिए, ये सब बातें निकल कर आती है। साथ ही साथ मोस्ट वल्नरेबल पॉपुलेशन, यानी कि जो आपके वल्नरेबल पॉपुलेशन है
वो कहीं ना कहीं इस ग्लोबलाइजेशन 4.0 के वेव से पीछे न रह जाए, इसलिए इन पर ज़्यादा फोकस करना है। लाइक प्रॉपर टारगेटेड स्ट्रेटजीज लेकर आइए टू इम्प्रूव द आउटकम्स फॉर एवरीवन, सो दैट वल्नरेबल पॉपुलेशन भी पीछे ना छूट जाए, जो आप देखते ही हो जो ग्लोबलाइजेशन ने इम्पेक्ट किया है। कहीं ना कहीं जो पुअर हैं वो और ज़्यादा पुअर हुए हैं ऐसा माना जाता है। अब ये सब तो आर्ट्स का टॉपिक है, तो इस पर डिबेट ही चलेंगे, लेकिन ऐसा माना जाता है कि पुअर आर बिकमिंग मोर प्योर, रिचर आर बिकमिंग रिचर। खैर, आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। साथ ही साथ क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस करना पड़ेगा। अब क्यों बोला जा रहा है क्लाइमेट चेंज पर फोकस करने के लिए, ऐसा इसीलिए क्योंकि ग्लोबलाइजेशन 4.0 तो एक प्रकार से अपने ही चैलेंजेस लेकर आएंगी, ठीक है, जो कि हमने डिस्कस किया, और ऐसे बहुत सारे चैलेंजेस जिसके बारे में हमें पता भी नहीं। लेकिन उसके साथ साथ अगर क्लाइमेट चेंज भी हो रही है तेजी से, जो कि दिखती भी है, तो प्रॉब्लम्स डबल हो जाएंगी। तो जो रिसोर्सेस है ना, जैसे हम बात करें एग्जांपल ले कि जैसे मनी है, ठीक है, अब गवर्नमेंट जो है उसके पास एक लिमिटेड मनी है 5,000 करोड़ रुपया। अब पता चला कि उसके देश में सिर्फ डिजास्टर ही आती है, तो ये जो 5,000 करोड़ रुपया है उनको डिजास्टर से प्रोटेक्ट करने में लगेंगे ना, बाढ़ हो गया या फिर आपका ग्लेशियर लेक आउटबर्स्ट हो गया या फिर अदर कोई डिजास्टर इवेंट आती है, तो ये सारे पैसे किधर खर्च किए जाएंगे इन सब को सेफ गार्ड करने में। तो ऐसे में कैपिटल या फिर एसेट या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ से बनेगी। तो इसीलिए क्लाइमेट चेंज पर भी फोकस करिए ताकि जो रिसोर्सेस यूटिलाइजेशन हो वो सही दिशा में हो, नहीं तो क्लाइमेट चेंज के इम्पैक्ट काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होंगे। अलग विथ इनोवेशन प्रमोट करिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एजुकेशन करिकुलम में बदलाव लाइए, ठीक है। कब तक हम वही पुराने 500 साल वाले एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करते रहेंगे, रटाफिकेशन वाला एजुकेशन सिस्टम को कंटिन्यू करेंगे, बिकॉज उससे इनोवेशन बनती नहीं है, उससे इनोवेशन ख़त्म हो जाती है, ठीक है। ये भी आप देखते होंगे, जब भी आप रटाफिकेशन करते होंगे ना, आपका बस दिमाग सिर्फ रटने पर और कुछ नहीं सोचेगा, सिर्फ रटाफिकेशन पर ही सोचेगा कि हाँ बस रटा जाए। ये सब चीज़ें हैं। और यहाँ पर आप देखिए, बाय 2022 यानी कि जो आपका गुजरेगा ये 2022 का जो साल है, एटलीस्ट 54% ऑफ द एम्प्लॉयज ग्लोबली विल रिक्वायर री स्किलिंग एंड अप स्किलिंग। क्यों? बिकॉज जो आपका मैकेनिज्म एज वेल एज प्रोडक्शन प्रोसेस है वेरियस प्रोडक्ट्स की, वो सब चेंज होती जा रही है। अब सब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिजिटाइजेशन, ये सब चीज़ें निकल कर आ रही है, ठीक है, रोबोटिक्स। तो जाहिर सी बात है, अगर पीपल अप स्किल नहीं हो पाएंगे, एम्प्लॉयज अप स्किल नहीं हो पाएंगे, उनको पता ही नहीं रहेगा कि कैसे मशीन ऑपरेट करनी है ना, कैसे डिजिटल कंट्रोल करना है किसी भी डिवाइसेस को या फिर ट्रैकिंग करनी है, तो फिर उनके लिए आने वाले फ्यूचरिस्टिक जॉब्स यूं कह सकते हो कि उनके लिए इफेक्टिव नहीं हो सकेंगे। हो सकता है उनकी जॉब सिक्योरिटी पर भी खतरा पड़ जाए, इसीलिए रीस्किलिंग अप स्किलिंग पर भी फोकस करने की ज़रूरत है। और ये एक डाटा के अनुसार बोला गया है, डाटा को कोट कर सकते हो, अच्छा है वैसे। और एग्जाम्पल भी दिया गया है कि न्यूजीलैंड भी इसी तर्ज पर एक नेशनल टेक्नोलॉजी करिकुलम को इम्प्लीमेंट कर रहा है, जिसके तहत स्टूडेंट्स को टीच किए जाते हैं कि वो डिजिटल क्रिएटर्स बने एज वेल एज कंज्यूमर। डिजिटल क्रिएटर मतलब समझते हो, जैसे आप ऑनलाइन बुक लिखते हो, लेट से ऑनलाइन कंटेंट राइटर हो या फिर ऑनलाइन वीडियो क्रिएटर हो, तो ये सब डिजिटल क्रिएटर है, ठीक है। उसी प्रकार से कंज्यूमर्स मतलब जो बेसिकली कंज्यूम कर रहा है उस डिजिटल कंटेंट को, तो वो कहते हैं डिजिटल कंज्यूमर्स। जैसे आप देख लो, बहुत सारे आजकल ऑडियो बुक्स आ गए हैं। कौन सोचा था कि 5 साल पहले कि ऑडियो बुक्स भी कुछ होंगे। वैसे मुझे 2015 में या फिर आई थिंक 2014 में एक बार आइडिया आया था कि हाँ इस प्रकार की जो चीज़ें हैं ना आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल रखती है, लेकिन उस समय मेरी उम्र ही क्या थी, तो मैंने इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया नहीं। वैसे आज देखो पूरा जो ऑडियो बुक सिस्टम है वो पूरा प्रमोट हो रहा है, क्योंकि लोग सर्विसेज चाहते हैं कम समय में, ठीक है। मैं भी आपको 50 घंटे का कोर्स अगर पढ़ा दूँ तो आप अगले दिन कोर्स ही नहीं करोगे, आप अगले दिन लेक्चर देखोगे नहीं, क्योंकि आपको चाहिए पूरा क्या कहते हैं क्रिस्पी, है ना, क्रिस्पी मसालेदार। तो वो सब चीज़ें हैं। एलोंग विथ
इंट्रैक्टिवनेस, वो सब चीजें भी हैं, ठीक है। दैट्स व्हाई आजकल एनिमेशन वाला चीज काफी ज्यादा चलता है। इंगेजमेंट विद द इंटरनेशनल कम्युनिटी, तो वही बात है कि कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि हम ग्लोबल वर्ल्ड का केयर करें पूरा, चाहे वो इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव हो, चाहे वो आपका इकोनॉमिक या फिर सोशल पर्सपेक्टिव हो, तो इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ इंटरेक्ट या इंगेज करना पड़ेगा, ठीक है। वाइडर पार्टिसिपेशन होना चाहिए, हाइटेड इमेजिनेशन एंड ऑब्जेक्टिव्स। तो प्रीवियस वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन क्या थी? तो प्रीवियस वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन में आप देख लो, ग्लोबलाइजेशन 1.0, ग्लोबलाइजेशन 2.0, 3.0, जिस प्रकार से इंडस्ट्रियल 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0। आप हमें बताइए 1.0, 2.0, 3.0 और 4.0 जो इंडस्ट्रियलाइजेशन रिवोल्यूशन हुआ उसमें क्या क्या अंतर है? आई थिंक एक बार क्वेश्चन पूछा गया था प्रीलिम्स में, ठीक है। तो अगर हम बात करें प्रीवियस वेव्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन की, तो ग्लोबलाइजेशन 1.0 जो चला था ना आपका प्री वर्ल्ड वॉर वन के पहले का है, यानी कि वर्ल्ड वॉर वन जब शुरू नहीं हुआ था उससे पहले, यानी कि यूं कह सकते हो कि 1914 से पहले के जो आपकी वर्ल्ड इकोनॉमी जिस प्रकार से ऑपरेट होती थी उसको हमने ग्लोबलाइजेशन 1.0 का नाम दिया, ठीक है। और इसमें कोई ग्लोबल गवर्नेंस नहीं था, कोई ग्लोबल इंटरनेशनल बॉडी नहीं थी, जैसे आज आप देखते हो WTO, यूनाइटेड नेशन, उस प्रकार की चीज़ें कुछ भी नहीं थी, ठीक है। तो यूँ कह सकते हो कि बस एक नाम भर था जो फ्रेंडली रिलेशंस रखते थे अपने देश के साथ, दूसरे देश के साथ, तो उनसे ट्रेड होता था, ठीक है। साथ ही साथ उस समय ध्यान दो कि उतनी ज़्यादा कोई ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज़ भी नहीं थी कि भाई साहब तुरंत जो है प्रोडक्ट एक देश से दूसरे देश पहुंच जाएंगे। आज तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। अलग विद ग्लोबलाइजेशन 2.0 की बात करें तो ये पोस्ट वर्ल्ड वॉर टू के बाद का फेज है, जहां पर जो गुड्स का आदान प्रदान होने लगा विभिन्न देशों के बीच। लेकिन हाँ, ये भी ध्यान रखना है आपको कि जो देश थे ना वो अपने अपने डोमेस्टिक पॉलिसीज भी रखते थे, सो दैट उनकी जो डोमेस्टिक या इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज हैं वो सब निगेटिवली प्रभावित ना हो। तो यहाँ पर गवर्नमेंट भी ध्यान रखती थी अपने इंडस्ट्रीज का, ठीक है। और साथ ही साथ जो स्ट्रेटजी है वो क्या चेंज निकल कर आया कि जो मार्केट है ना वो इफिशेंसी का इंचार्ज होगा, यानी कि इफिशेंसी प्रमोट करेगा, जैसे कंपटीशन सब हो गया, ठीक है। जबकि गवर्नमेंट जो है जस्टिस प्रोवाइड करेगा, जैसे कोई अगर कंपनी है वो अपने प्रोडक्ट्स को चीपर रेट में बेच रहा है मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए, तो ये सब क्या हो गया, एक प्रकार से जो ट्रेड लॉ है उसके खिलाफ वाला वसूल हो गया। तो इस प्रकार से गवर्नमेंट क्या करता था कि जस्टिस प्रोवाइड करने का प्रदान करता था, ये सब बातें हो गई। साथ ही साथ आपने देखा भी होगा रूल बेस्ड इंटरनेशनल गवर्नेंस निकल कर आया, यूनाइटेड नेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, ये जो WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ये सब। उसके बाद ग्लोबल 3.0 की बात करें तो इसमें आपका मैन्युफैक्चरिंग काफ़ी तेज़ी से प्रमोट हुआ, एलोंग विद आपकी इस समय तक टेक्नोलॉजी भी आ गई। तो टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन आपका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला, एलोंग विद चीप लेबर भी प्रमोट होने लगे, बिकॉज लोगों का माइग्रेशन फ्रॉम वन नेशन टू अनदर नेशन ये सब भी धीरे धीरे प्रमोट होने लगी थी। तो इस प्रकार से ये चीज़ें चली, एलोंग विद ग्लोबल सप्लाई चेन का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, बिकॉज जो आपके बहुत सारी कंपनीज है वो अपने फैक्ट्रीज दूसरे देश में इस्टेब्लिश करने लगे, ठीक है। एंड इसी को न्यू ग्लोबलाइजेशन, हाइपर ग्लोबलाइजेशन, ग्लोबल वैल्यू चेन इवोल्यूशन, ये सब कहा जाता है। तो कंक्लूजन आप लिख देना कि कंक्लूजन में वही है कि वैसे ग्लोबलाइजेशन 4.0 हो या फिर आपका 10.0 हो या फिर कोई भी पॉइंट हो, हमेशा इनक्लूसिवनेस पर फोकस होना चाहिए, साथ ही साथ डिमांड बेस्ड स्किल को फैसिलिटेट करिए, जहाँ पर इनोवेशन हो, साथ ही साथ इन्वेस्टमेंट हो, साथ ही साथ जस्टिस हो। ये मैंने ऐसे ही अपने आप से जोड़ दिया है, कोई अच्छा कंक्लूजन नहीं दिख रहा था इसलिए मैंने अच्छे अच्छे कीवर्ड भर दिए आपके लिए। तो चलो यहाँ तक तो हो गया, अब चलते हैं कॉरपोरेट कल्चर। कल्चर के बारे में मैंने आपको अच्छे से बताया था, आई थिंक कि पिछले ही लेक्चर सीरीज में बताया था क्या, अच्छा जब भी बताया होगा, लेकिन बताया तो जरूर था कि डिफरेंसेस बिटवीन कल्चर एंड ट्रेडिशन, क्या आपको याद है कल्चर और ट्रेडिशन के बारे में क्या डिफरेंस मैंने आपको बताया था? जल्दी से आप अपने कमेंट सेक्शन में दीजिए, बताइए। तो हम कॉर्पोरेट कल्चर की बात करेंगे, आपको अगर थकावट महसूस हो रही है जल्दी से पानी वानी पी के आइए, फ्रेश होकर आइए, फिर से आप लेक्चर देखिए शांति से, आराम से, स्थिरता से, बाकी सब चीज़ें आपके अंदर जाएंगी, आप सीखोगे और
आप अच्छे से ऐसे राइटिंग भी कर सकोगे। चलो अब कॉरपोरेट कल्चर की तरफ चलते हैं। तो अगर कल्चर की बात करें ना, पहले तो कल्चर को समझ लेते हैं। तो कल्चर एक प्रकार से मैंने आपको बताया भी था, इट इज़ ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस जो प्रैक्टिस की जाती हैं डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, हो सकता है डिफरेंट कम्युनिटीज में हो सकता है। लेकिन जब हम वर्क कल्चर की बात करते हैं तो बेसिकली इट इज़ ए सेट ऑफ प्रैक्टिसेस वैल्यूज और बिलीव्स जो ऑर्गेनाइजेशन फॉलो करता है या फिर उनके जो इम्प्लॉयज है वो फॉलो करते हैं। ठीक है, किस प्रकार से बिहेवियर रखनी है, किस प्रकार का डिसिप्लिन होना चाहिए, ये सब आपका वर्क कल्चर कॉर्पोरेट कल्चर में आ जाता है। ठीक है, एंड इट इज द वर्क कल्चर दैट डिसाइड द वे इम्प्लॉयज इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ एन ऑर्गेनाइजेशन फंक्शन। ये सब चीजें समझने में तो कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, तो वर्क कल्चर बेसिकली आउटकम होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की हिस्ट्री क्या रही है, उसके ट्रेडिशंस या वैल्यूज या विजन क्या रहे हैं। तो विजन अगर चेंज हो जाएगा तो बेसिकली आपका वर्क कल्चर भी चेंज हो सकता है। ठीक है, एंड अगर हम बात करें फीचर्स ऑफ ए गुड वर्क कल्चर, तो क्या फीचर्स है? तो पहली बात तो शेयर्ड वैल्यूज एंड प्रायोरिटीज आनी चाहिए। शेयर्ड वैल्यूज यानी कि जो भी आपका ऑर्गेनाइजेशन है वहां पर आपकी शेयर्ड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज होनी चाहिए। शेयर्ड इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज का मतलब ये हुआ कि भाई साहब जो आपकी लेट्स से की कोई कंपनी है, ठीक है, अब उस कंपनी की जो इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज है उसका जो एम्प्लॉयज है वो सब पालन करे, ये सब चीज़ें होती हैं। और क्या, साथ ही साथ प्रायोरिटीज होनी चाहिए कि हम किस पर फोकस करें किस पर फोकस ना करें, अलोंग विथ रिवॉर्ड्स, जैसे जो हार्ड वर्किंग है जो ओवर टाइम करते हैं या फिर जो एफिशिएंट तरीके से काम करते हैं तो रिवॉर्ड्स का प्रोविजन हो। आप बहुत सारी एमएनसीज में ये सब चीज़ें देखते होंगे। ठीक है, एज वेल एज अदर प्रैक्टिसेस जहाँ पर इंक्लूजन हाई परफॉर्मेंस कमिटमेंट को प्रमोट किया जाता हो, ठीक है, डाइवर्सिटी को अलाउ किया जाता हो, डिफरेंट व्यू पॉइंट्स को अलाउ किया जाता हो। एग्जाम्पल भी दिया जाता है गुड वर्क प्लेस कल्चर इन इसरो, ठीक है, जो कि हमारा इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। 1960s के दशक में बना था और कहीं ना कहीं इसरो ने नेशन के डेवलपमेंट में काफ़ी ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया है। अगर हम बताएं या फिर आपसे पूछे कि इसरो का क्या कंट्रीब्यूशन रहा है, अगर हम बात करें डिफरेंट सेक्टर्स में या फिर नेशन के डेवलपमेंट में, तो आपको ये समझना पड़ेगा कि इसरो ने ऐसे बहुत सारे सेटेलाइट्स लॉन्च किए। ये तो मैं एक पॉइंट आपको बता रहा हूँ जो किसानों की मदद करते हैं, है ना, जो बताते हैं कि कब मानसून होगा या फिर यूँ कह सकते हो कि सेटेलाइट के माध्यम से बहुत सारे वेदर इवेंट्स को भी ये प्रमोट कर सकते हैं, बताते हैं। साथ ही साथ ये भी आप देखो कि क्या कोई डिजास्टर तो नहीं आ रही है, जो आपके जैसे अर्थक्वेक हो गई सुनामी हो गई, तो ये सब सैटेलाइट डाटा से ही ऑब्जर्व किए जाते हैं ना। तो इस प्रकार से जो इसरो है या फिर इससे एसोसिएटेड जो भी आपके इंस्टीट्यूट्स है वो मदद करते हैं एलोंग विथ मेंटेनिंग ए गुड वर्क कल्चर। दूसरा फीचर्स क्या है कि गुड वर्क कल्चर को मेंटेन रखा जाए। एक तो है कि भाई साहब रूल बना दिए, अब पता चला रूल को तोड़ने में कोई शर्म ही नहीं लग रही। तो बेसिकली कोई भी कंपनी है या फिर ऑर्गेनाइजेशन है, सिर्फ रूल या फिर आपका जो प्रिंसिपल्स बनाने से नहीं होता है, उसको मेंटेन करने से होता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल अपॉइंटमेंट करे तो कोई इफिशियंट बंदे का अपॉइंटमेंट करे कंपनी में जो कंपनी को आगे लेकर जाएगा। ठीक है, पर्सनल इंटरेस्ट से ज़्यादा आपका शेयर्ड इंटरेस्ट ज़्यादा वैल्यू रखनी चाहिए, लीडरशिप होना चाहिए, साथ ही साथ रिवॉर्ड सिस्टम होना चाहिए। ये सब बातें हैं। अगर हम बात करें इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर की, तो वही बात है, इंपॉर्टेंस ऑफ वर्क कल्चर। अगर कोई भी कंपनी है ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पर अगर वर्क कल्चर रहता है तो आप ही सोचिए वहाँ पर ट्रांसपेरेंसी इनोवेशन डिसिप्लिन आएगी कि नहीं आएगी। बिल्कुल आएगी। और जहाँ पर TID यानी कि ट्रांसपेरेंसी इनोवेशन डिसिप्लिन होगा वहाँ पर कन्फ्लिक्ट भी कम हो सकते हैं, बिकॉज एक प्रकार से क्लियर कट सबके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स है ऑर्गेनाइजेशन को लेकर वो सब ज़्यादा वैल्यू दिए जाते हैं एज कम्पेयर टू द कन्फ्लिक्ट। ठीक है, कि किस प्रकार से टीम मेंबरशिप के साथ हमें आगे बढ़ना है, किस प्रकार से हम अपने कंपनी का ब्रांड को आगे बढ़ाना है, इन सब पर ज़्यादा फोकस नहीं होंगी। इंक्रीजेज प्रोडक्टिविटी एंड क्वालिटी, सस्टेनेबल वर्क, जैसे रेस्पेक्ट हो एक दूसरे का, हार्ड वर्क को रिकॉग्निशन मिले। ठीक है, साथ ही साथ फ्रीडम टू ब्रिंग न्यू आइडियाज इनोवेशन। अब कोई कंपनी है वहाँ पर सीधे बोलेगा कि भाई साहब मेरा ही रूल चलेगा, कोई इनोवेशन और वो सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं, तो वो कंपनी कैसे ग्रो करेगी, कैसे कम्पीट कर पाएगी दूसरे नए कंपनी से जो इमर्ज हो रही है, जो नए नए इनोवेशंस लेकर आ रही है, तो उनके प्रोडक्ट्स भी कहेंगे ना।
तो आइडियाज को लेने का भी जरूरत होता है बेस्ड ऑन द चेंजिंग टाइम, सो दैट हम उसे अडोप्ट करें और आगे बढ़े, नहीं तो हम ही पीछे रह जाएंगे। ठीक है, उसके बाद इफेक्टिव कम्युनिकेशंस हो, सो दैट जो भी आपके, जैसे फॉर एग्जांपल आप देखते होंगे बॉस और एम्प्लॉय का रिलेशन, उसमें खटास अगर रहती है तो फिर कहीं ना कहीं एक रेस्पेक्ट की भावना नजर नहीं आएगी। रेस्पेक्ट की भावना नजर नहीं आएगी तो एक प्रकार से इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, कम्युनिकेशन गैप रहेगा। उसी प्रकार से जो आपके कस्टमर्स हैं, कस्टमर्स के साथ अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं रहता, रेस्पॉन्स नहीं देते हैं, तो फिर कस्टमर्स भी रेस्पॉन्स देना बंद कर देंगे। ऐसे बहुत सारे कंपनीज के एग्जाम्पल्स आप नेट से निकाल सकते हो, जहाँ पर इन सब चीज़ों की कमी के कारण कंपनी जो है डूब गई। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। साथ ही साथ क्रिएटिंग गुड वर्क कल्चर, तो कैसे गुड वर्क कल्चर क्रिएट करें, तो वैसे आप गुड लीडरशिप टीम होनी चाहिए, यानी कि एक लीडरशिप जो लीड करे कंपनी को, ऑर्गेनाइजेशन को, उसके ऑब्जेक्टिव के आधार पर, कंपनी के ऑब्जेक्टिव के आधार पर। साथ ही साथ ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव जो है वो पर्सनल इंटरेस्ट से ऊपर होनी चाहिए, तभी तो आपका गुड वर्क कल्चर बन पाएगा। ठीक है, साथ ही साथ एम्पैथी, ऑनेस्टी एंड इंटीग्रिटी, EHI जिसको कहते हैं, एम्पैथी, ऑनेस्टी, इंटीग्रिटी, ये सब हो। स्पिरिट ऑफ कॉपरेशन, कंपटीशन दोनों रहने चाहिए। कॉपरेशन तो ठीक है, कंपटीशन भी होने चाहिए, तभी तो कम्पीट कर पाओगे, तभी तो इनोवेटिव प्रोडक्ट बना पाएंगे। कंपटीशन ही नहीं है, जैसे आप देख लो 1990s से पहले जब LPG रिफॉर्म नहीं हुई थी, कोई कंपटीशन नहीं। ठीक है, तो जब 1990s के बाद LPG आया तो अल्टीमेटली बहुत सारी नई नई कंपनियां आने लगी, जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट कंपनीज है या फिर आपका प्राइवेट ही सही, तो उसको कम्पीट करने के लिए बहुत सारी इंडस्ट्री आई, तो आज देख लो कितनी आउट परफॉर्म कर पाती है। तो ये सब बातें हैं। तो कंक्लूजन में वही है कि गुड वर्क कल्चर कैन शेप द आउटकम्स एंड द परसेप्शन इन द आइज ऑफ द पब्लिक। बेसिकली गुड वर्क कल्चर के कारण कंपनी की ब्रांड तो बनती है, जनता के सामने रेस्पेक्ट भी बनता है, और जनता जो है उसके लिए एक प्रकार से मार्केट की तरह काम करती है, वो उनसे प्रोडक्ट खरीदती है और जो कंपनी है उसको ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करती है। ठीक है, तो वही बात है, गुड वर्क कल्चर विल अट्रैक्ट द बेस्ट अवेलेबल टैलेंट, विच इन टर्म्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन बेटर बिकॉज ऑफ द ट्रांसपेरेंसी इन द एम्प्लॉयमेंट प्रोसेस। ये सब चीज़ें हैं। अब चलो, हमने ग्लोबलाइजेशन तो पढ़ लिया, ठीक है, अब हम चलेंगे डी ग्लोबलाइजेशन, और आज आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक बंटा धार करने ही वाले हैं। बस हो गया है, थोड़ा सा और बाकी है, उसके बाद ग्लोबलाइजेशन का बंटा धार हो जाएगा। ठीक है, तो आपको चीज़ें कैसी लग रही है, आपको चीज़ें समझ में आ रही है, जल्दी से कमेंट सेक्शन में रिस्पॉन्स दीजिए और लाइक का बटन दबाना ना भूले। चलो डी ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं। तो भाई साहब, इसको समझने में तो कोई ज़्यादा दिक्कतें नहीं होनी चाहिए, बस ग्लोबलाइजेशन के आगे डी लगा दो, डी ग्लोबलाइजेशन हो गया। कहने का मतलब ग्लोबलाइजेशन में हम क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं, है ना, टू द ग्लोबल वर्ल्ड। डी ग्लोबलाइजेशन में क्या करेंगे, डिसइंटीग्रेशन करेंगे। कहने का मतलब यह है कि जो आपकी इंटरडिपेंडेंसी एंड इंटीग्रेशन देखने को मिला था ग्लोबलाइजेशन में, डी ग्लोबलाइजेशन में उसका उल्टा होगा, यानी कि इंटरडिपेंडेंस कम करेंगे, इंटीग्रेशन कम करेंगे। ठीक है, और आजकल ये ट्रेंड भी आप देख रहे हो, बहुत सारे जो देश है ना वो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, ट्रेड बैरियर, टैरिफ बैरियर, ये सब लगा रहे हैं। तो ये सब क्या इंडिकेशन है, डीग्लोबलाइजेशन का इंडिकेशन है। ठीक है, खासकर ये सब तो डेवलप कंट्रीज ही कर रहे हैं ना, क्योंकि एक समय था जब ये प्रमोट कर रहे थे ग्लोबलाइजेशन करवा भैया, ग्लोबलाइजेशन से इक्वलिटी प्रमोट होगी, और एक प्रकार से जो डेवलपिंग कंट्रीज है उनको इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, ये सब चीज़ें ये बोलते थे। लेकिन अब उन्हीं पर ये जो ग्लोबलाइजेशन है भारी पड़ रहा है, तो इसलिए अब जो है टैरिफ बैरियर ये सब चीज़ें जो है ज़्यादा लगाए जाते हैं बहुत सारे देशों के द्वारा। तो इसके कारण क्या होगा, डिक्लाइन इन द इकोनॉमिक ट्रेड, इन्वेस्टमेंट बिटवीन द कंट्रीज, प्रोटेक्शनिज्म प्रमोट होंगी, यूनिलेटरल विदड्रॉल फ्रॉम द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स, यानी कि बहुत सारे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एग्रीमेंट्स है। ठीक है, बहुत सारे देश क्या करेंगे प्रोटेक्शनिज्म के नाम पर, कि वो जो है उन एग्रीमेंट से बाहर आ जाएंगे, कि भाई साहब नहीं, मुझे ये सिग्नेटरी नहीं बनना है, हम इससे बाहर निकलते हैं, और फिर वो अपने बायलैटरल रिलेशंस एस्टेब्लिश करेंगे। ठीक है, अपने टर्म्स एंड एग्रीमेंट्स के आधार पर। तो ये सब क्या इंडिकेशन होता है, ये सब डीग्लोबलाइजेशन का इंडिकेटर है, इंडिकेशन इंटीग्रेट इंडिकेटर ऑफ डीग्लोबलाइजेशन। इंडिकेटर में आप देख लो, ट्रेड इंडिकेटर हो सकता है। ट्रेड इंडिकेटर्स मतलब क्या, अगर ट्रेड जो ग्लोबल ट्रेड हो रहा है उसमें
अगर डिक्लाइन होती है तो वो भी एक इंडिकेटर है। जैसे एग्जांपल दिया जाता है जो आपका ग्लोबल ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट के रूप में देखा जाए तो जो ट्रेड है वो डबल हुई थी, 30% जो 1973 में थी वो 60% हो गई थी 2008 में, जबकि अब ये धीरे धीरे और ज़्यादा ड्रॉप हो रहा है 55%। तो ये बेसिकली डाटा के आधार पर इंडिकेट किए जाते हैं कि हाँ भाई साहब ग्लोबल लेवल पर ट्रेड प्रमोट हो रही है कि नहीं हो रही है। अगर डिक्लाइन हो रहा है तो इसका मतलब डिग्लोबलाइजेशन हो रहा है। वैसे तो और भी बहुत सारे फैक्टर्स होने ही चाहिए इंडिकेटर के लिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड में डिक्लाइन हो रहा है तो वो इंडिकेटर है डिग्लोबलाइजेशन का, ऐसा कोई बात नहीं है। मल्टीपल फैक्टर्स हो सकते हैं, साथ ही साथ फ्लो ऑफ कैपिटल, हाँ ये हो सकता है कि बेसिकली जो आपका ग्लोबलाइजेशन है वो क्या करता है, एफडीआई लेकर आता है, एफआईआई लेकर आता है, यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टमेंट, साथ ही साथ नई नई कंपनियाँ आती है, ठीक है, इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते हैं। लेकिन अगर कैपिटल फ्लोज कम हो रही है, ठीक है, तो फिर क्या इंडिकेशन जाएगा कि कंपनीज, बड़े बड़े कंपनीज या इन्वेस्टर इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं दूसरे देश में इन्वेस्ट करने से। तो दूसरे देश में इन्वेस्ट नहीं कर रहे मतलब क्या हुआ कि आपका ग्लोबलाइजेशन जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में है। खतरे में है मतलब यूँ कह सकते हो कि इन्वेस्टर्स नहीं चाहते हैं कि भाई साहब आप जो है हम दूसरे देश में इन्वेस्ट करें बिकॉज ऑफ द ग्लोबल स्लो डाउन एंड द पेंडेमिक। भी आप देख सकते हो पेंडेमिक के कारण भी बहुत सारे इन्वेस्टमेंट विथड्रॉ किए गए थे डिफरेंट कंट्रीज में। हालांकि आप बताओ पेंडेमिक के दौरान, यानी कि जो आपका 2021 के डाटा के आधार पर देखें, 2020 और 2021 के डाटा के आधार पर देखें, तो बेसिकली इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो आपके कम हुए थे पिछले साल के मुकाबले या फिर बढ़े थे, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि इस पर एक क्वेश्चन भी पूछा गया था शायद। तो यहाँ पर डाटा है, कैपिटल फ्लोज हैव सिंस स्लम्प्ड टू जस्ट 2% ऑफ जीडीपी फ्रॉम ए पीक ऑफ 16% इन 2007। और उसके बाद फ्लो पीपल इज फ्लोइंग टू, यानी कि ग्लोबलाइजेशन में क्या होता है कि लोग जो है माइग्रेट करते हैं वर्क अपॉर्चुनिटीज के नाम पर, ठीक है, लेकिन अगर बाहर दूसरे देश में अपॉर्चुनिटीज ही नहीं है, या फिर यूँ कह सकते हो कि जो देश है वो बेसिकली रिजर्व कर रहे हैं जॉब्स को अपने देश के लोगों के लिए, तो ऐसे में क्या होगा जो आपके पॉपुलेशन है फ्रॉम द डेवलपिंग कंट्रीज वो बेसिकली माइग्रेट नहीं कर पाएंगे दूसरे देश और उनको एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलेगी, तो ये सब दिक्कतें होगी। जैसे देख लो, डिस्पाइट द फ्लड ऑफ रिफ्यूजीज इन द यूरोप, नेट माइग्रेशन फ्रॉम पुअर टू रिच कंट्रीज डिक्रीज टू 12 मिलियन बिटवीन 2011 एंड 15। इस पीरियड में लगभग नेट माइग्रेशन कितना हो गया, 12 मिलियन। तो ये सब बातें हैं। साथ ही साथ आप जानते हैं आखिरकार ये न्यू ट्रेंड डीग्लोबलाइजेशन का रीजन क्या है, तो पहली बात तो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल रहा है, यानी कि बेनिफिट्स देखे ग्लोबलाइजेशन की तो इसके नेगेटिव रिपरकशंस भी निकल कर आए हैं। जैसे इनइक्वलिटीज काफ़ी तेजी से बढ़ी हैं, जॉब लॉस काफ़ी ज़्यादा हुआ है स्पेशली इन द डेवलप कंट्रीज। तो डेवलप कंट्रीज जो है अपने जो इंडिजिनियस पॉपुलेशन है उनकी इकोनॉमिक सिक्योरिटी या उनको जॉब को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर रहे हैं, बेसिकली जॉब अपॉर्चुनिटीज को रिजर्व कर दे रहे हैं, या फिर स्ट्रिक्टर वीज़ा नॉर्म्स, ठीक है, टाइटर नॉर्म्स, ये सब चीज़ें लगा रही हैं। तो ये सब चीज़ें हैं, साथ ही साथ ग्लोबल स्लो डाउन भी देखने को मिल रहा है, और कोविड के दौरान तो ये स्लो डाउन काफ़ी ज़्यादा हो गई थी, तो इसके कारण भी जो ग्लोबल ट्रेड है वो प्रभावित हुआ था, ग्लोबल सप्लाई चेन भी प्रभावित हुआ था, और अभी जो स्लो डाउन की प्रक्रिया वो चल ही रही है, अलोंग विथ राइज इन टेररिज्म, राइज ऑफ पॉपुलिस्ट लीडर्स। पॉपुलिस्ट लीडर यानी कि वैसे ऑर्गेनाइजेशंस या फिर लीडर्स जो बेसिकली डीग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, ये हो जाता है, तो इनका भी राइज हो रहा है, तो ये सब भी एक फैक्टर है। अब चलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ डीग्लोबलाइजेशन बाय वेल्डन बेलो। तो ऐसे कुछ आपके कुछ पॉइंट्स होंगे जो बताया जाएगा वेल्डन बेलो के द्वारा, जो इंडिकेशन होगा कि हाँ डीग्लोबलाइजेशन हो रहा है। तो जो वेल्डन बेलो है ना, ये बेसिकली किसी चीज़ के फाउंडर है, यानी कि फोकस ऑन द ग्लोबल साउथ के फाउंडर हैं। इन्होंने ही टर्म डी ग्लोबलाइजेशन को क्वाइन किया था 2001 में, और उन्होंने ग्लोबलाइजेशन को डिफाइन किया था, वैसे अच्छा है ये आप लिख सकते हो, इट इज़ एन एसोसिएटेड इंटीग्रेशन ऑफ कैपिटल प्रोडक्शन एंड मार्केट ग्लोबली। यानी कि ग्लोबलाइजेशन इज ए प्रोसेस जहाँ पर आपका
कैपिटल प्रोडक्शन मार्केट्स का इंटीग्रेशन होता है ग्लोबल लेवल पर, और ये जो ग्लोबलाइजेशन प्रोसेस है इट इज ड्रिवन बाय द लॉजिक ऑफ कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी या फिर प्रॉफिटेबिलिटी के प्रिंसिपल पर। वैसे भी जो ग्लोबलाइजेशन है आपको ही पता है वो बेसिकली इकोनॉमिक इंटरेस्ट के पिलर पर ही तैयार होता है, जबकि इसके इफेक्ट डिफरेंट सेक्टर में पड़ते हैं, जैसे आपका कल्चर पर पड़ता है, सोसाइटी पर पड़ता है, ठीक है, एजुकेशन पर पड़ता है, ये सब बात है। तो इफेक्ट तो डिफरेंट सेक्टर में होते हैं, लेकिन जो आपका बेसिक ऑब्जेक्टिव रहता है ग्लोबलाइजेशन का वो होता है इकोनॉमिक इंटरेस्ट को प्रमोट करना, ठीक है। एंड कुछ वर्ल्डन के जो प्रिंसिपल्स हैं वो आप देखो, जो आपको बताएगा कि डीग्लोबलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो पहली बात तो ये कि ग्लोबलाइजेशन में प्रोडक्शन किए जाते हैं एक्सपोर्ट पर्पज से, लेकिन डीग्लोबलाइजेशन में जो प्रोडक्शन होगा वो डोमेस्टिक पर्पज के लिए होगा रेदर देन द प्रोडक्शन फॉर एक्सपोर्ट। उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी, इसका सिंपल सा मतलब है जो देश है वो इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पर फोकस करेंगे। इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन वही है कि डोमेस्टिक प्रोडक्ट को तैयार किए जाएंगे और वो रिप्लेस करेगा इम्पोर्ट के प्रोडक्ट को, ठीक है, जो इंडिया ने 1991 से पहले किए करते थे इम्पोर्ट सब्सटीट्यूशन पॉलिसी, कि हम अपने नीड के प्रोडक्ट को खुद बनाएंगे, इम्पोर्ट नहीं करेंगे। उसके बाद ट्रेड पॉलिसीज में भी बदलाव देखने को मिलेगा, जैसे बैरियर्स लगाए जाएंगे, टैरिफ बैरियर या फिर नॉन टैरिफ बैरियर, जैसे कोटाज कि भाई साहब इतने ही प्रोडक्ट आप जो है इम्पोर्ट कर सकते हो हमारे देश में, या फिर आप इतने ही एक्सपोर्ट कर सकते हो, ये सब कुछ बातें होती है। और इससे क्या होगा, लोकल इकोनॉमी प्रमोट होगी। उसके बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसी लाई जाएगी गवर्नमेंट की तरह, जहाँ पर सब्सिडीज, टैरिफ ये सब दिए जाएंगे डोमेस्टिक कंपनीज या फिर एंटरप्रेन्योर्स को, कि वो जो है अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को रिवाइटलाइज करें, स्ट्रेंथन करें। साथ ही साथ बैलेंस यानी कि हेल्दी बैलेंस मस्ट बी मेंटेन बिटवीन द कंट्रीज कैरिंग कैपेसिटी एंड द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन, अलग विद जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जाएगा इन ऑल द एरियाज ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस, सो दैट जेंडर इक्वलिटी प्रमोट हो। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिक इकोनॉमिक डिसीजंस, ठीक है, अलग विद रीजनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि अभी तो आपका ग्लोबल इंस्टीट्यूशन चलते हैं, जैसे आपका WTO है या फिर आपका IMF सब है, तो ये सब सेंट्रलाइज ग्लोबल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक की ही बात कर लो, तो ये सब रिप्लेस होने लगेंगे रीजनल इंस्टीट्यूशन से। रीजनल इंस्टीट्यूशन यानी कि जो नज़दीकी देश है ना साथ में मिल जाते हैं, वो रीजनल इंस्टीट्यूशन बना लेते हैं और वो जो है बेसिकली अपने जो भी शेयर्ड इंटरेस्ट है उसको प्रमोट करेंगे रेदर देन कि वो ग्लोबल की चिंता करेंगे, ठीक है। तो ये सब बातें हो गई। अब बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ डी ग्लोबलाइजेशन ऑन इंडिया। तो इंडिया पर क्या इम्पैक्ट पड़ा है, तो इंडिया पर तो इम्पैक्ट पड़ेगा, जैसे यूँ कह सकते हो अगर डी ग्लोबलाइजेशन होती है तो इसका इंडिया पर भी डीपली प्रभाव पड़ने को देखने को मिलेगा। पहली बात तो हम डिफरेंट सेक्टर्स या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स की बात करेंगे कि फार्मर्स पर क्या इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। आपको ये पता है फार्मर्स बेसिकली प्रोड्यूस करते हैं और इनके प्रोडक्ट एक्सपोर्ट किए जाते हैं, तो अगर डी ग्लोबलाइजेशन होगा तो हमारी जो लिंकेजेज है ना, जो हम एक्सपोर्ट करते हैं फार्म प्रोडक्ट्स को, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को, वो तो एक्सपोर्ट होने कम हो जाएंगे, जिसके कारण फार्मर्स काफ़ी डीपली प्रभावित होंगे, ठीक है, उनके लाइवलीहुड, उनकी जो इनकम है वो डीपली प्रभावित होगी। वैसे ही फार्मर्स जो है डीपली क्राइसिस फेस करते हैं। अलग में टेक्नोलॉजी पर इम्पैक्ट होगा, यानी कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र नहीं होगी, ठीक है, अब जब कोई कंपनी आएगी नहीं, ठीक है, तो फिर कोई टेक्नोलॉजी आएगा कैसे, आइडियाज़ का मूवमेंट होगा कैसे, तो लिमिटेड नॉलेज शेयरिंग होगा, लैक ऑफ फ्लो ऑफ टेक्नोलॉजी टू डेवलपिंग कंट्री, तो हम लोग और ज़्यादा पीछे हो जाएंगे एडवांसमेंट में। अलॉन्ग विद पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी हो सकता है, पॉलिटिकल इम्पैक्ट वही कि बिकॉज ऑफ द डीग्लोबलाइजेशन, लेट्स से कि जो आपके प्राइसेस हैं फूड प्रोडक्ट्स आपके वो बढ़ने लगे, तो ऐसे में सिविल अपराइजिंग्स हो सकती है, तो पॉलिटिकल इम्पैक्ट भी होगा। इकोनॉमिक इम्पैक्ट वही है कि भाई साहब जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट है उस पर भी प्रभाव आ जाएगा, ठीक है, जैसे FDI, FII या फिर आपके MNC कंपनी जो इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं वो सब इन्वेस्ट करना बंद कर देंगे, तो जाहिर सी बात है जो प्रोडक्शन है वो प्रभावित होगा, बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट प्रभावित होंगे, तो इसके कारण आपका इकोनॉमिक ग्रोथ प्रभावित होगा। साथ ही साथ सोशल इम्पैक्ट भी पड़ेगा, जैसे आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में कमी आ सकती है, बिकॉज चूँकि ये सब जो डिग्लोबलाइजेशन है एक्सपोर्ट को प्रभावित करेंगे, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रभावित करेंगे, तो जाहिर सी बात है एम्प्लॉयमेंट को भी प्रभावित करेंगे, और जब एम्प्लॉयमेंट को प्रभावित करेंगे तो जो लिविंग स्टैंडर्ड्स है उसको भी प्रभावित करेंगे, और एक्चुअली वेलफेयर ऑफ द पुअर एंड द स्टैंडर्ड ऑफ लाइफ वो सभी प्रभावित होगा।
साथ ही साथ इन्वायरमेंटल कंजर्वेशन पर भी इम्पैक्ट आ सकता है, ठीक है। बिकॉज जब डीग्लोबलाइजेशन होगा तो लोग क्यों, या फिर यूँ कह सकते हो कि एक देश दूसरे देश से कॉपरेट करने की बात भी नहीं करेंगे, ठीक है। और जब कॉपरेशन नहीं रहेगा देशों के बीच, तो ये सब जो ग्लोबल मुद्दे हैं जो मल्टीपल कंट्रीज के इन्वॉल्वमेंट से ही दूर होनी है, जैसे टेररिज्म है या फिर आपका क्लाइमेट चेंज है, ठीक है, तो ये सब पर कॉपरेशन सहमति नहीं बन पाएगी, तो जो समस्याएं हैं और ज़्यादा बिगड़ जाएंगी। एलोंग विथ वोमेन एम्प्लॉयमेंट पर भी इम्पैक्ट होगा, बिकॉज ग्लोबलाइजेशन ने कहीं ना कहीं वोमेन ऑटोनॉमी, वोमेन इंडिपेंडेंसी, वोमेन एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट किया है, ठीक है। उदारवादी विचारधारा कहीं ना कहीं ग्लोबलाइजेशन लेकर आई है वोमेन के प्रति, तो ऐसे में जो डीग्लोबलाइजेशन है वो वोमेन पर भी इम्पैक्ट डाल सकता है। लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन विल रिड्यूस द अपॉर्चुनिटीज फॉर वोमेन अक्रॉस द वर्ल्ड, और सिक्योरिटी पर भी इम्पैक्ट हो सकता है, बिकॉज कोऑर्डिनेशन नहीं होगा अमंग द वेरियस नेशंस या फिर वेरियस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, तो जो सिक्योरिटी है वो प्रभावित हो जाएगी, है ना। टेररिज्म जैसे इंसिडेंट्स ज़्यादा दस्तक देने लगेगी, वायलेंस ज़्यादा दस्तक देने लगेगा बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन, तो ये सब चीज़ें हैं। तो बेसिकली डिग्लोबलाइजेशन आप देखोगे तो ये निगेटिव इफेक्ट तो काफ़ी ज़्यादा करेगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और इंडिया की इकोनॉमी, इंडिया की सिक्योरिटी, इन सबको भी हर्ट कर सकता है, ठीक है। जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो भी प्रभावित हो जाएंगे, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी प्रभावित होगा, इट विल ऑल्सो हर्ट द वेलफेयर ऑफ द इंडियन पीपल। इसलिए कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जरूरत है, जहां पर हम मोर कोहेसिव ग्लोबल स्ट्रक्चर लेकर आए, जहां पर इंक्लूसिवनेस प्रमोट हो रेदर कि हम डिग्लोबलाइजेशन प्रमोट करें। यहां से तो यही कंक्लूजन निकल रहा है कि भाई सब इंक्लूसिवनेस हो, ये सब जो वीकनेस है ना ये सब दूर करिए, रेदर के डिग्लोबलाइजेशन करिए, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई और यहाँ पर आपका ग्लोबलाइजेशन का टॉपिक होता है ख़त्म। अब हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे जल्द से जल्द फास्ट फॉरवर्ड में अपने अगले लेक्चर सीरीज में। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, एंड आपको लेक्चर सीरीज कैसी लग रही है कमेंट सेक्शन में बताना ना भूले, और हम फिर नेक्स्ट लेक्चर शुरुआत करने वाले हैं। सोशल एम्पावरमेंट चलेगा आपका, सोशल एम्पावरमेंट छोटा सा टॉपिक है, इसमें हम डिफरेंट स्टेक होल्डर्स को देखेंगे जो आपके सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स हैं, जैसे शेड्यूल ट्राइब्स, वोमेन, शेड्यूल कास्ट, माइनॉरिटी, सीनियर सिटीजन, डिफरेंशियली एबल्ड पीपल। वैसे तो हमने पढ़ाया है, फिर भी आपको हम पढ़ा देंगे इसको, ठीक है। इस प्रकार से आपका ये खत्म हो जाएगा, छोटा सा ही टॉपिक होगा, ज़्यादा नहीं है इसमें, तो ज़्यादा कुछ पढ़ने का भी नहीं होगा। हाँ, उसके बाद आपका आता है कॉमनलिज्म, सब ये सब हम देखेंगे, ठीक है। लेकिन सोसाइटी का लेक्चर काफ़ी लंबा चला गया, देखो लंबा तो जाएगा ही जाएगा है, क्योंकि इतनी आसान नहीं होती है सारे डिटेल्स को एक साथ इनकॉर्पोरेट करके फिर आपको टीच करना, समय लगता है। लेकिन एक बार आप बढ़िया से देख लोगे हमारे लेक्चर सीरीज को, सोसाइटी में कभी भी दिक्कतें नहीं आएगी, कीवर्ड पर बस फोकस करते रहना है, ठीक है। तो कैसा लगा लेक्चर सीरीज जरूर बताएं, और लाइक करते रहिए, लाइक नहीं करिएगा तो फिर हमें मोटिवेशन कहाँ से मिलेगी, कमेंट जरूर करते रहिएगा। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे। अगर रात में देख रहे हो तो हैव ए नाइस नाइट, थैंक यू।